जरूर कहना चाहूंगा और इसे मेरा वादा मानिए, मेरा संकल्प मानिए, मेरा समर्पण मानिए, मेरी प्रतिबद्धता मानिए, लेकिन मैं जरूर कहूंगा कि आपने फिर से जो मुझे काम दिया है, आने वाले दिनों में भी मैं आने वाले दिनों में मैं बद इरादे से, बद नियत से कोई काम नहीं करूंगा। काम करते करते गलती हो सकती है, लेकिन बद इरादे से, बद नियत से मैं कोई काम नहीं करूंगा। दूसरा देशवासी, आपने मुझे इतना बड़ा भरोसा, इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, तब मैं देशवासियों को फिर से कहूंगा कि मैं मेरे लिए कुछ नहीं करूंगा। और तीसरी बात मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहूंगा, और तीसरी बात, मेरे समय का पल पल, मेरे शरीर का कण कण सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए। मेरे देशवासी, आप जब भी मेरा मूल्यांकन करें, इन तीन तराजू पर जरूर मुझे कसते रहना। कभी कोई कमी रह जाए तो मुझे कोसते रहना, लेकिन मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि मैं सार्वजनिक रूप से जो बातें बताता हूं उसको जीने के लिए भरपूर प्रयास करूंगा। भाइयों बहनों, इस चुनाव ने 21वीं सदी के एक मजबूत नींव हमारे सामाजिक, सार्वजनिक, राजनीतिक जीवन के लिए निर्मित की है, और मैं चाहूंगा कि जो देश का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, सरकार कौन बने, किसकी बने, कौन आए कौन जाए, वो तो जनता करता ही करती रहेगी, लेकिन भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए, अब भारत ने, भारत की जनता ने इस चुनाव में एक नया नैरेटिव देश के सामने रख दिया है। सारे समाजशास्त्रियों को अपनी पुरानी सोच पर पुनर्विचार करने के लिए देश के गरीब से गरीब व्यक्ति ने मजबूर कर दिया है, और वो क्या है, अब इस देश में सिर्फ दो जाति बचेगी, दो जाति ही रहने वाली है, और देश इन दो जाति पर ही केंद्रित होने वाला है। ये जाति के नाम पर खेल खेलने वाले लोगों को ये बहुत बड़ा प्रहार इस चुनाव में हुआ है। और दो जाति है कौन सी, अब 21वीं सदी में
भारत में एक जाति है गरीब, भारत की एक जाति है गरीब और दूसरी जाति है देश को गरीबी से मुक्त कराने के लिए कुछ न कुछ अपना योगदान देने वालों की। एक वो है जो गरीबी से बाहर आना चाहते हैं, दूसरे वो है जो देश को गरीबी से मुक्त कराना चाहते हैं। ये दो ही जाति है और इसलिए हमें 21वीं सदी में इन दोनों को सशक्त करना है। जो गरीबी से बाहर जिसको लाना है उसको भी सशक्त करना है और गरीबी से बाहर लाने में जो बढ़ चढ़ करके मदद कर रहा है उसको भी ताकतवर बनाना है। ये दो शक्तियां इस देश पर गरीबी के कलंक को मिटा सकती है। इस सपने को लेकर के हमें चलना है। हमारे देश में ये चुनाव ऐसा हुआ, वरना आपने देखा होगा 30 साल तक लगातार देश में विशेष रूप से, वैसे ये ड्रामेबाजी तो लंबे समय से चल रही है, एक ऐसा प्रिंटआउट, एक ऐसा टैग फैशन हो गई थी, कुछ भी करो उसको लगा लो आपके गंगा स्नान करने जितना पुण्य मिल जाता था। उस टैग का नाम था और पूरी तरह नकली, उस टैग का नाम था सेक्युलरिज्म। और नारे लगते थे सेक्युलर एक हो जाओ, सेक्युलर एक हो जाओ। आपने देखा होगा 2014 से 19 आते आते उस पूरी जमात ने बोलना ही बंद कर दिया। इस चुनाव में एक भी राजनीतिक दल सेक्युलरिज्म का ये नकाब पहन करके देश को गुमराह करने की हिम्मत नहीं कर पाया है। ये बेनकाब हो गए। दूसरा, हिंदुस्तान में कोई चुनाव ऐसा नहीं गया जिसके केंद्र बिंदु में महंगाई न रही हो। ये चुनाव ऐसा है जहां महंगाई एक भी विरोधी दल ने आरोप नहीं लगाया। ये चुनाव ऐसा है कि जिसमें हिंदुस्तान के पिछले कोई भी चुनाव उठा लीजिए, सब चुनाव भ्रष्टाचार के मुद्दे से रंगे गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दों पर चुनाव लड़े गए थे, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जवाब देने पड़े थे। ये पहला चुनाव था जिसमें इस देश का कोई राजनीतिक दल 5 साल के शासन पर भ्रष्टाचार का एक आरोप नहीं लगा पाया, चुनाव का एक मुद्दा नहीं। भारत के लोकतंत्र में तीन चीजें कांस्टेंट रही है, इस चुनाव में मिसिंग थी और इसलिए पॉलिटिकल पंडितों को समझ नहीं आ रहा था किस तराजू से चीजों को तोला जाए। मैं आज इस पल देशवासियों के सामने भी कुछ कहना चाहता हूं। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपने इस फकीर की झोली तो भर दी, मेरे प्यारे देशवासियों,
आपने इस फकीर की झोली भर दी है, बड़ी आशा अपेक्षा के साथ भरी है, मैं जानता हूं। आपकी आशा आकांक्षा, आपके सपने, आपके संकल्प, बहुत कुछ इसके साथ जुड़ा हुआ है। मैं इसकी भरी भांति इस गंभीरता को समझता हूं, लेकिन मैं देश को कहूंगा कि आपने 2014 में मुझे ज्यादा जानते नहीं थे, लेकिन आपने भरोसा किया। 2019 में आपने मुझे ज्यादा जानने के बाद उसमें और ज्यादा ताकत डाली। मैं इसके पीछे की भावना को भली भांति समझता हूं, मैं भली भांति समझता हूं। जैसे अमित भाई कह रहे थे कि बहुत वर्षों के बाद एक चुनी हुई सरकार दूसरी बार पुनर्बहुमत से और पहले से अधिक ताकत के साथ जीत करके आए, इसका मतलब देश की जनता का कितना भरोसा है। और भरोसा जैसे बढ़ता है, जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ती है।